पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जीविका कर्मियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। महिला ने बदतमीजी और लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। लाठीचार्ज में कई जीविका कर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। बता दें, वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी जीविका कर्मी। वहां पर जीविका कर्मियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिस दौरान बताया जा रहा है कि कई महिला कर्मी यहां पर घायल हो गई है। महिला कर्मियों ने बदतमीजी और लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। लाठीचार्ज में कई जीविका कर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। बता दें, वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी जीविका कर्मी। तो राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जीविका कर्मियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। महिला कर्मियों ने बदतमीजी और लाठीचार्ज का आरोप लगाया है पुलिस कर्मियों पर, और लाठीचार्ज में कई जीविका कर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि ये प्रदर्शन वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर आजीविका कर्मी कर रही थी, जहां पर लाठीचार्ज करने का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ जीविका कर्मियों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता बने हुए प्रिंस कुशवाहा। क्या माहौल बना हुआ है प्रिंस, लाठीचार्ज की भी खबरें सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से लाठीचार्ज के खबरें सामने आ रही है, इसमें पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों के बीच में झड़प हुआ है, खींचातानी हुई है। बैरिकेडिंग को बार बार वो लोग प्रयास कर रहे थे उसको क्रॉस करने का, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें जेपी गोलंबर के पास, गांधी मैदान के पास रोक लिया गया। लेकिन इसके बाद से पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उसमें हल्की फुल्की झड़प हुई है। उस झड़प को लेकर काफी आक्रोशित हो गए जीविका के जो कर्मचारी हैं, और लगातार पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करने लगे और प्रशासन पे लाठीचार्ज का आरोप लगाने लगे। लेकिन वही जब पुलिस कर्मी से बात करने का प्रयास किया गया तो कोई और कैमरा बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ कैमरा साफ तौर पर इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हल्की सी झड़प हुई है। ये लोग बार बार बैरिकेडिंग को क्रॉस करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस के द्वारा इन्हें जबरन रोक दिया गया। इसको लेकर महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि बार बार इनके ऊपर लाठी से वार किया गया है, लेकिन पुलिसकर्मी इसी से अपने आप बयान से इनकार कर रहे हैं। प्रिंस, जिस तरीके से यहाँ पर विजुअल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर जीविका कर्मी पहुंची हुई है, कहीं ना कहीं इनका धैर्य का बांध जो है वो टूट पड़ा है, जिस तरीके से ये लगातार वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। देखिए, इससे पहले भी लगातार जीविका कर्मी है प्रदर्शन किया कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही खबर देखे होंगे हम लोग के पास भी चला था, उसमें जीविका कर्मी और प्रशासन के बीच में झड़प हुआ था। उसमें विधानसभा भी सत्र चल रहा था, सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आपकी सुनवाई होगी, बिहार विधानसभा का सत्र खत्म हो जाने दीजिए, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कोई विचार नहीं किया गया, और इसको लेकर अब हर थक कर जीविका के जो कर्मचारी हैं वो अब रोड पे हैं, और सरकार को हिदायत भी दे रहे हैं कि हमारी अगर मांग को पूरा नहीं किया गया है, मांग को सुना नहीं जाएगा, तो इसका खमियाजा लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, इनमें नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जीविका कर्मी के साथ जो पशु चिकित्सक है, चाहे तमाम जो चार पांच जो संगठने हैं जो काम कर रही हैं, जिनको सैलरी का की मांग है परमानेंट करने का, तमाम अब एकजुट हो रहे हैं, और वो लोग भी अभी सही समय इस चीज को भाप रहे हैं कि चुनाव है, अभी हमारी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इसके बाद हम लोग को नजरअंदाज कर देगी, यही सही वक्त है। और लगातार अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपने मांगों को लेकर अड़े हैं। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो सरकार के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि इस सत्र के बाद आपकी बातों को सुनी जाएगी, लेकिन उस सत्र के बाद उनकी बातें आई गई हो जाती है, लेकिन उस बात को लेकर लगातार अब वो हमलावर है। वो बार बार बात को अपने दोहरा रहे हैं कि सरकार हमें अनसुना कर रहा है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और हम लोग अब रोड पे ही रहेंगे। लगातार अभी वो लोग गांधी मैदान में डटे हुए हैं। जी प्रिंस, इस पर हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल अभी हमारे साथ बनने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दे कि राजधानी पटना में आजीविका कर्मियों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। आपको बता दे कि वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, जिस दौरान बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुआ है, जिसमें कुछ आजीविका कर्मी घायल भी हुई है।